चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो राजधानी रायपुर से मिल रही है। प्रदेश में देर रात 124 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। एक ही दिन में सामने आए 429 नए मरीज। मौत के आंकड़े ने भी रफ्तार पकड़ ली है और रायपुर दुर्ग बलौदाबाजार और सूरजपुर के मरीजों की मौत हुई है। 4 मौतों के साथ 43 पर अब ये मौत का आंकड़ा भी पहुंच गया है। तो लगातार रायपुर में कोरोना आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और कल 429 नए मामले सामने आए जिनमें से 4 लोगों की मौत भी हुई। तो लगातार जो मौत का ग्राफ है वो भी बढ़ता जा रहा है और छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर स्थिति अब लगातार बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है और एक ही दिन में 429 लोग एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिसमें से रायपुर दुर्ग बलौदाबाजार और सूरजपुर के भी मरीज शामिल थे और 4 लोगों ने कल दम भी तोड़ दिया कोरोना के चलते। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना को लेकर जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं और किस तरह के हालात बन रहे हैं? जी बिल्कुल, राजधानी में जैसे जैसे लॉकडाउन का जो समय है वो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे संक्रमितों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में देर रात एक बार फिर से 124 नए मामले जो है वो सामने आए हैं। साथ ही एक ही दिन में अगर टोटल कोरोना मरीजों की बात करें तो 429 मरीज जो है वो निकल कर सामने आए हैं। मौत के आंकड़े भी जो है वो बढ़े हुए हैं। 4 मौतों के साथ जो मौत का आंकड़ा है वो 43 पर पहुंचा है। तो इसी तरीके से लगातार जो छत्तीसगढ़ में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी इसके लिए काफी जो है तैयारी, छत्तीसगढ़ सरकार भी अब तैयारी कर रहा है। इसीलिए जो आज मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्रियों की बैठक भी है लॉकडाउन के संबंध में दिशा निर्देश और जारी किए जा सकते हैं। हो सकता है कि लॉकडाउन बढ़ाने का भी किसी तरह का फैसला हो। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर किस तरह से टेस्टिंग बढ़ाया जाए इस संबंध में बैठक जो है वो हो सकती है। सुप्रिया, रायपुर में लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर भी अब अटकलें तेज हो गई है, तो क्या लगता है कि रायपुर में लॉकडाउन और बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, कयास तो ऐसे ही लगाए जा रहे हैं कि राजधानी रायपुर में लॉकडाउन बढ़ सकता है, लेकिन बैठक के बाद ही जो निर्णय है वो निकल कर सामने आएगा। हालांकि लॉकडाउन राजधानी रायपुर जो है वो सबसे ज्यादा संक्रमित पाया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का कुल जो आंकड़े है वो 7,000 से ऊपर है, लेकिन वही अगर हम बात करें राजधानी रायपुर की तो 2,000 से ज्यादा मामले जो है वो राजधानी रायपुर में अकेले पाए गए हैं। तो इसी तरीके से 7,000 में 2,000 मामले जो है वो 2,000 से ज्यादा मामले राजधानी रायपुर में पाए गए हैं। इसलिए संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर से ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग भी जो है वो भी चेत नहीं रहे हैं, बेपरवाह होते हुए नजर आते हैं। इस वजह से संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बना हुआ है। जी सुप्रिया, आप हमारे साथ में बने रहेगा। एक और बड़ी खबर मिल रही है राजधानी रायपुर से, जहाँ लॉकडाउन में बढ़ोतरी हो सकती है। आज सीएम भूपेश बघेल समीक्षा बैठक लेंगे और दोपहर 12 बजे सीएम निवास में ये बैठक होगी। आंशिक रियायतों के साथ बढ़ सकता है लॉकडाउन और त्योहारों पर भी नजर टिकी हुई है और गहन चर्चा के बाद ये फैसला लिया जाएगा। तो सुप्रिया, जैसे कि हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि रायपुर में लॉकडाउन बढ़ सकता है और उसी को लेकर जानकारी भी मिल रही है, आज समीक्षा बैठक होगी, क्या कुछ कयास समीक्षा बैठक के? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री निवास में 12 बजे से समीक्षा बैठक होगी जिसमें वरिष्ठ मंत्री और आला अफसरों की जो टीम है वो सीएम हाउस में मौजूद रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन पर पुनर्विचार के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। प्रदेश के कुछ शहरों में 4 दिनों के लिए लॉकडाउन की समय सीमा जो है वो मंगलवार को यानी कि कल पूरी हो जाएगी। राजधानी रायपुर समेत राज्य के कुछ और बड़े शहरों में लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जिसमें राजधानी रायपुर का नाम भी शामिल है। अकेले रायपुर से ही प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए सीएम हाउस में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों और आला अफसरों के साथ बैठक में अहम निर्णय लिए जाने की भी उम्मीद है वो जताई जा रही है, क्योंकि बीते 4-5 दिनों में इन्हीं जिलों से जो है कोरोना के सर्वाधिक मामले सामने, सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं वो रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। इन जिलों में बीते 4-5 दिनों से सबसे अधिक जो मामले हैं वो सामने आए हैं। कुछ हिस्सों में मामूली रियायतों के साथ लॉकडाउन 7 दिन और बढ़ाया जा सकता है। जी इसी जो निर्णय है वो इन तमाम निर्णयों को जो है बैठक में शामिल किया जा सकता है और बैठक के बाद ये निर्णय निकल कर सामने आ सकता है कि 7 दिन और बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ छूट दी जा सकती है। अब ये तो बैठक के बाद ही फैसले को देखा जाएगा कि किस तरह का फैसला जो है वो आता है। चलिए सुप्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।